जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 42 श्लोक है। श्री भगवान उवाच, इमं विवसवते योगं प्रोक्तावन अहम वयम् विवासन मन्वे ब्रह्मनु इक्ष्वाकवे बुरावित। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि योग की यह विद्या बहुत प्राचीन है। इसे एक परंपरा के रूप में महापुरुषों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। यह आत्मज्ञान धर्म और सत्य का मार्ग है। इसे अविनाशी कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान हर काल में उपयोगी और सत्य रहता है। यहाँ विवस्वान का अर्थ है सूर्य देव जो सृष्टि के आरंभ में विद्यमान थे। मनु मानव जाति के प्रथम प्रजापति माने जाते हैं। इक्ष्वाकु सूर्य वंश के पहले राजा थे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर सयो विदुह स काले निहमता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार इस योग का ज्ञान राजाओं और ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त किया। समय के साथ साथ इस महान योग का ज्ञान कमजोर हो गया। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि यह योग केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्ग है। इस ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है। हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को समझो और युद्ध में कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाओ। स एव यम मया ते दया योग है प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है एतात उत्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह योग जो आज मैंने तुम्हें बताया वह केवल एक साधारण जानकारी नहीं है बल्कि एक गहरा और प्राचीन योग है। तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए यह रहस्य तुम्हारे लिए विशेष है। अर्थात इस ज्ञान को समझना और अपनाना केवल उन लोगों के लिए संभव है जो सच्चे भक्त हैं और जिन्होंने कृष्ण से सच्चा संबंध स्थापित किया है। अर्थात इस रहस्य का ज्ञान पाने के लिए भक्ति और मित्रता का विशेष स्थान है। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवास अवतः कथम एतात विजानियाम तव माधव प्रोक्तवान इति। अर्जुन कहते हैं भगवान, आपका जन्म तो अनंत है और विवस्वान यानी सूर्य का जन्म भी एक पूर्व जन्म है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपने पहले यह योग सूर्य से कहा था। अर्थात अर्जुन चाह रहे हैं कि उन्हें यह समझा जाए कि कृष्ण कैसे कृष्ण का ज्ञान प्राचीन है और वह इस संसार में समय समय पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य अहम वेदा सर्वाणी न तवम वेथा परंतपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे अनगिनत जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सभी जन्मों को जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते हो। अर्थात श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कई जन्म लिए हैं जिनका ज्ञान केवल उन्हें ही है। अर्जुन जैसे मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को नहीं जान पाते। गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।